हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने 3.3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं 3.4। 3.4 में ना सिर्फ हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, तो चलिए इसकी एक बहुत सिंपल मेथड मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमें करना है इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3.4 है। 3.4 में क्या करना है हमें फ्रेंड्स, हमें ना हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि हम रोज से हम सॉल्व कर पाए। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर फर्स्ट सम है ए इज इक्वल्स टू, यह हुआ है 1 -1 2 3। हमें यहाँ पर सिर्फ एक चीज याद रखनी है फ्रेंड्स, इनवर्स इज ऑलवेज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स इज ऑलवेज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए रो ऑपरेशन से मैक्सिमम करेंगे हम, कॉलम क्योंकि थोड़ा टफ होता है, कॉलम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं रोज से सब ज्यादा करवाने वाला हूँ। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, थोड़ा टफ टॉपिक है पर आपको जानना जरूरी है। चलिए सबसे पहले इसको मैं ऐसा लिखूंगा, ए इज इक्वल्स टू आई ए, आई ए या ए आई कुछ भी। तो ए है हमारे पास ये वाला 1 -1 2 और 3, और आई हमारा है 1 0 0 1। यह हमें पता है और ये हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर मैं राइट साइड वाला ए एज इट इज लिख रहा हूं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो राइट साइड पर आई है ना, उसको यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उस राइट साइड वाला आई उसको यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं करवा रहा हूं। जैसे हमें सबसे पहले है ना फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पर जीरो लाना है, हमें यहाँ पर जीरो लाना है राइट। यहाँ पर टू है तो हमें यहाँ पर नीचे लेफ्ट नीचे लेफ्ट नीचे जीरो लाना है, नीचे लेफ्ट साइड पर जीरो लाना है। तो मैं इसको कैसे करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। आर टू मतलब ये वाला आर टू पर आर टू माइनस टू आर वन, आर वन मतलब ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसका ऑपरेशन करते हैं। आर वन पर कुछ ऑपरेशन नहीं हो रहा तो आर वन एज इट इज, तो आर टू माइनस टू आर वन, टू माइनस मल्टीप्लाई बाय टू वन इंटू वन, तो हो जाएगा यहाँ पर जीरो। थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू प्लस टू तो हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू। पर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एल एच एस पर किया है ना आर टू, वही आर एच एस पर भी करना होगा ये वाला। तो चलिए एल एच एस आर एच एस पर 1 और 0 एज इट इज, और आर टू पर 0 - 2R1 तो 2 * 1 तो हो जाएगा यहाँ पर -2। यहाँ पर हो जाएगा आर टू पर आर टू मतलब ये वाला, और आर आर वन मतलब ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आर टू माइनस टू आर वन, तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 - 0 0 एनीथिंग 1। तो चलिए अब मैं करवा रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर हमें कैसे जाना है फ्रेंड, अगर ऐसा कुछ मैट्रिक्स हो ना, पहले यहाँ पर जीरो लाना है, यहाँ पर 1 लाना है और यहाँ पर 0 लाना है, ऐसा कुछ जाना है हमें। पता चल रहा है फ्रेंड्स आपको, ऐसा कुछ ट्रायंगल में जाना है हमें। पहले मैं यहाँ से शुरू करूंगा, फिर मैं राइट साइड पर और फिर ऊपर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये सब सही सोच रहे हैं, आर टू पर आर टू बाय 5, तो हमारा हो जाएगा 1 - 1 0, और यहाँ पर 5 / 5 तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1 0। यहाँ पर आर एच एस में आर टू ये वाला है तो आर टू डिवाइड बाय 5 तो -2/5, और 1 / 5 तो 1/5 इंटू ए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं ये सम यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमें अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब हमें इसको -1 लाना है,
ये ऐसा आप सही सोच रहे हैं, तो मैं लिखूंगा आर वन पर आर वन प्लस आर टू, तो क्या होगा, आर टू एज इट इज है, यहाँ पर भी आर टू एज इट इज है, माइनस टू बाय फाइव, यहाँ पर वन बाय फाइव, यहाँ पर ए। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आर वन पर ऑपरेशन करना है, आर वन प्लस आर टू मतलब दिस प्लस दिस, तो हो जाएगा यहाँ पर वन, ये तो एज इट इज, और माइनस वन प्लस वन हो जाएगा यहाँ पर जीरो। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये टू है, दिस प्लस दिस, तो यहाँ पर क्या होगा, वन प्लस माइनस टू बाय फाइव, तो यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस टू बाय फाइव, तो हो जाएगा थ्री बाय फाइव, और जीरो माइनस वन बाय फाइव, जीरो प्लस वन बाय फाइव, तो हो जाएगा वन बाय फाइव। बस यही तो आपका आंसर है, तो हमारा ए इनवर्स हमें मिल जाएगा, ये जो राइट साइड पर ये मैट्रिक्स आया ना, वही हमारा इनवर्स है, बस इतना ही करना था। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू थ्री बाय फाइव, वन बाय फाइव, माइनस टू बाय फाइव और वन बाय फाइव। इस सब में बहुत प्रैक्टिस चाहिए फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, मैं आगे करवा रहा हूँ सम। हमने फर्स्ट सम कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड सम, सेकंड सम भी बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए थ्री टू वन। चलिए हमारा सेकेंड सम है ए इज इक्वल्स टू टू वन वन और वन। इसको क्या करना है, सबसे पहले तो ए इज इक्वल्स टू आई ए लिख देना है, और यहाँ पर ए हमारा है टू वन वन और वन इज इक्वल्स टू आई, हमारा तो हमको गिवन होता है, हमें पता होना चाहिए वन जीरो जीरो वन, और यहाँ पर है ए। अब क्या करने वाला है फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पर हमें जीरो लाना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, आर टू पर टू आर टू माइनस आर वन, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहां पर आर वन एज इट इज है, यहां पर आर वन एज इट इज है वन जीरो ए, इतना तो एज इट इज मैंने लिखा। अब मैं आर टू पर आर टू मतलब टू इंटू वन माइनस टू, तो हो जाएगा यहाँ पर जीरो, ये तो पता है ना, ये आर टू है, ये आर वन है, ये आर टू, यहाँ पर आर वन और ये यहाँ पर आर टू, मतलब रो टू रो वन ऐसा, और यहाँ पर है टू आर टू माइनस आर वन, तो टू इंटू वन टू माइनस वन, तो हो जाएगा वन, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना है, तो टू इंटू जीरो, तो जीरो माइनस आर वन, तो हो जाएगा माइनस वन, यहाँ पर है टू इंटू वन, तो एज इट इज ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर जीरो आ गया है और यहाँ पर वन आ गया है, अब सिर्फ हमें यहाँ पर जीरो लाना है, यहाँ वन वन है ना, यहाँ पर वहां पर जीरो लाना है, तो अब देखिए आर वन पर आर वन माइनस आर टू, बस इतना ही करना है, तो हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर टू एज इट इज, क्योंकि नीचे जीरो है, टू एज इट इज, और यहाँ पर वन माइनस वन तो जीरो, और यहाँ पर वन एज इट इज, तो यहाँ पर है आर वन माइनस आर टू, तो यहाँ पर हो जाएगा टू, जीरो माइनस टू तो माइनस टू, और आर हाँ तो माइनस आर वन पर ही ऑपरेशन किया है, तो आर टू एज इट इज। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर टू है ना, हमें वन लाना है, हमें यहाँ पर टू है तो वन लाना है, तो मैं क्या करूंगा, आर वन पर आर वन बाय टू, बस यही तो करना है हमें, तो हमारा सम सॉल्व हो गया वन जीरो जीरो वन इज इक्वल्स टू वन माइनस वन माइनस वन और टू और ए। ये राइट साइड पर जो मैट्रिक्स आया ना, वही हमारा आंसर है, राइट साइड पर जो हमारा मैट्रिक्स है वही हमारा आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो हमारा ए इनवर्स आ चुका है,
ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वन और 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर लिया है, ये मैट्रिक्स एलिमिनेशन सॉल्व कर लिया है। आप लिख लीजिए 3, 2, 1। चलिए चलिए अब थर्ड सम करवाता हूँ। थर्ड में हमें ए कुछ ऐसा दिया हुआ है 1, 3, 2 और 7। अब तो आपको भी मेथड याद हो गई होगी, ए इज इक्वल्स टू आई ए इतना लिखना है और लेफ्ट साइड पर ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। ए 3, 1, 3, 2, 7 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू 1, 1, 0, 0, 1। आपको इतना तो पता है ना, मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था आई इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए अब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पर जो आरएचएस है ना वो हमें एलएचएस पे बनाना है, मतलब यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो 1 एज इट इज है, तो यहाँ पर उसको कुछ टच नहीं करना है, तो हम करेंगे R2 माइनस 2R1, यहाँ पर वैसे ही 0 आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं इक्वल्स टू R1, पहले एज इट इज लिख देना है कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करेंगे, R2 पर R2 माइनस 2R1 बोला है, तो 2 माइनस 2 तो हो जाएगा यहाँ पर 0, और यहाँ पर 7 माइनस 2 इंटू 3 तो 7 माइनस 6 तो हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर R2 माइनस 2R1 तो यहाँ जो हो जाएगा -2, और यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू 0 तो हो जाएगा एज इट इज 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ साइड बाजू में। अब मैं करूंगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1 आ चुका है, यहाँ पर 0 आ चुका है, यहाँ पर 1 आ चुका है, और यहाँ पर अब सिर्फ 0 लाना है हमें। तो चलिए उसकी उसकी कथा शुरू करते हैं। R1 पर R1 माइनस 3 R2, देखिए यहाँ पर 3 इंटू माइनस 3, -3 इंटू 1 तो हो जाएगा ना -3, तो हम कर सकते हैं ऐसा कुछ 1 इंटू 3 -3 तो हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में -2, 1 और 1। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हो जाएगा आप R1 माइनस 3 R2, तो हमारा R1 माइनस 3 R2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा 7, 1 प्लस 6 तो हो जाएगा 7। और अब यहाँ पर R1 तो है ही नहीं हमारे पास, 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। बस यही तो हमारा आंसर है फ्रेंड्स। आप लिख लीजिए ए इनवर्स इसी को, ये आरएचएस वाला जो आया ना वही हमारा आंसर है, 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1। बस, और आपको पता चल रहा है मैं ए इनवर्स ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? चलिए मैं आपको समझा देता हूँ मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। आपको इतना पता है फ्रेंड्स कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आई को कहीं पर भी मल्टीप्लाई करो ना तो वो एज इट इज आता है, आई ए इज इक्वल्स टू ए एज इट इज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं यहां से लिख सकता हूँ कि ए इंटू 7 माइनस 3 माइनस 2 1 इज इक्वल्स टू 1, 0, 0, 1। ये ए इनवर्स है फ्रेंड्स, ये ए इनवर्स है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए इनवर्स ए को उस साइड ले गया और ये आई को एज इट इज यहाँ पर ले आया, तो हो जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 2 1 अपॉन 1, 0, 0, 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये डिवाइड किया ना मैंने आई, तो हमारा यही तो आंसर है 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1। बस यही तो ए इनवर्स है, मैं यहाँ पर वही लिखा है देखिए। तो चलिए हमने थर्ड सम भी सॉल्व कर लिया है, अब मैं करवा रहा हूँ फोर्थ सम।
फोर्थ सम भी वैसे बहुत इजी है, सेम ही है। ज्यादा टाइम हमें है ना 3x3 मैट्रिक्स में लगेगा, क्योंकि वो बहुत लंबा होता है उसकी प्रोसीजर, तो वो मैं अब इसके बाद करवाने वाला हूँ 3x3 मैट्रिक्स के लिए। चलिए हम अब देखते हैं फिफ्थ सम, आप लिख लीजिए 3, 2, 1। चलिए अब मैं करवा रहा हूँ फिफ्थ सम। थर्ड सम था, सॉरी फोर्थ सम करेंगे। फिफ्थ सम तो बहुत ही इजी है, 1 ही सीधा दिया हुआ है आपको, तो वो तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं करवा रहा हूँ फोर्थ सम। फोर्थ सम हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7। ये थोड़ा टफ सम है फ्रेंड्स, आप थोड़ा ध्यान से देखना। चलिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए इज इक्वल्स टू आई ए बराबर, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ए की वैल्यू पुट कर दूंगा 2, 3, 5 और 7। यहाँ पर हो जाएगा आई की वैल्यू 1, 0, 0, 1। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ R2 पर R2 - 2R1। यहाँ पर ऐसा लिख ही देने का पहले फ्रेंड, मैट्रिक्स ड्रॉ कर देने का, और जहां पर ऑपरेशन नहीं हो रहा ना वो एज इट इज पहले लिख देना है 1 और 0 एज इट इज। R2 - 2R1 मतलब 5 - 2 × 2 तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 7 - 2 × 3 तो हो जाएगा 6, 7 - 6 तो हो जाएगा 1। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये R2 पर R2 - 2R1 तो यहाँ पर हो जाएगा -2, और राइट साइड पर हो जाएगा 1 - 0 तो हो जाएगा 1 एज इट इज। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड, अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ R2 पर 2R2 - R1, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू ए। सबसे पहले ना मुझे यहाँ पर 0 लाना है, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 लाना है, और यहाँ पर 0 लाना है। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ 2, 3, 1, 0 एज इट इज। अब मैं क्या करना है, हमें R2 पर 2R2 मतलब 2 × 1 तो हो जाएगा 2, 2 - 2 तो हो जाएगा यहाँ पर 0, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 था ना वो अब हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, हमें ये मैथड यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि R1 पर R1 - 2R2, ये मैं ऐसा करना है 2R2, हमें ऐसा कुछ करना है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा ए, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 1, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा R1 - 2R2 तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और अब यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैं इसको उल्टा दूंगा ना तो वैसा ही हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा -2। अब चेक कर लेना, वैसे तो आंसर राइट है, अब चेक कर लेना फिर भी। तो चलिए अब आगे समझ करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, R1 को R2 के साथ उल्टा दूंगा, R1 और R2 उल्टा दूंगा, तो मतलब ये जो रो है ना उसको इसके साथ चेंज कर लूंगा, तो हो जाएगा 1, 1 और यहाँ पर आ जाएगा 0, 1। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 0 भी आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। हमारी प्रोसीजर बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, तो -2, 1 और 5 - 2 ए। अब मैं क्या करूंगा, R1 पर R1 - R2 तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा 1, 0, 0, 1, और
और यहां पर करना है 5 माइनस 2 एज इट इज, और ऊपर आ जाएगा आर वन माइनस आर टू, तो यहाँ पर है माइनस सेवन, माइनस टू माइनस फाइव तो माइनस सेवन, और वन माइनस ऑफ माइनस टू तो हो जाएगा थ्री ए। तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस सेवन थ्री फाइव माइनस टू। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब भी हमारा सॉल्व हो गया, आप लिख लीजिए थ्री टू वन। चलिए अब मैं करवा रहा हूं सिक्स्थ सम, बहुत बड़ा सम है फ्रेंड, पर आप देखिए क्या सिक्स्थ सम है हमारे पास, बहुत ही लंबा सम, आप ध्यान से देखना टू फाइव वन थ्री, आपको देखेंगे ना तो यहां पर वन दिखाई दे रहा है, तो पर मैं क्या करूंगा यहां पर लिखूंगा ए इज इक्वल्स टू आई ए, एक लेफ्ट साइड के ए की जगह पर टू फाइव वन थ्री मैट्रिक्स रखूंगा और आई की वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट वन जीरो जीरो वन, और यहां पर है ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आर वन पर आर वन माइनस आर टू, बस तो यहां पर ऑटोमेटिकली वन आ जाएगा, तो उसका हमारा इक्वेशन मैट्रिक्स सॉल्व इजी हो जाएगा, तो वन फाइव माइनस थ्री तो हो जाएगा टू, यहां पर वन थ्री इज इक्वल्स टू यहां पर है वन, वन माइनस जीरो तो हो जाएगा वन, जीरो माइनस वन तो हो जाएगा माइनस वन, यहां पर जीरो और वन, और यहां पर है ए। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर लिखूंगा आप आर टू पर आर टू माइनस आर वन, तो ये ऑटोमेटिकली ये वन टू एज इट इज, यहां पर भी वन माइनस वन एज इट इज, आर वन एज इट इज, और यहां पर आर टू माइनस आर वन, तो यहां पर जीरो आ जाएगा, तो थ्री माइनस टू, और यहां पर ऑटोमेटिकली वन आ जाएगा। हमारे प्रोसीजर में हमने इतना तो कर लिया है, बस इसको वन करना बाकी है, बस यही तो करना है हमें। तो हमारा इनवर्स हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन, तो यहां पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर एज इट इज हो गया है, पर हमारा राइट साइड करना बाकी है, आप बराबर देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड पर हम क्या करने वाले हैं आर टू माइनस आर वन, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस वन और वन आर टू माइनस आर वन, तो वन माइनस ऑफ माइनस वन तो हो जाएगा यहाँ पर टू, और अब हम करने वाले हैं आर वन पर आर वन माइनस टू आर टू, जैसे कि यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो हमारा सम सॉल्व, यहाँ पर वन जीरो वन एज इट इज, और यहाँ पर ए एज इट इज, यहाँ पर आर टू एज इट इज टू, और यहाँ पर देखिए टू माइनस टू तो हो जाएगा यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा आर वन माइनस टू आर टू, तो आर वन वन प्लस टू तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री, और यहाँ पर माइनस वन माइनस ऑफ टू इंटू फोर, टू इंटू टू तो हो जाएगा फोर, माइनस वन माइनस फोर तो आ जाएगा माइनस फाइव, बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू थ्री माइनस फाइव माइनस वन और टू, बस यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए थ्री टू वन। चलिए इतनी बात हमेशा याद रखनी है फ्रेंड्स, इनवर्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बस तो आपका सम हमेशा ये बात याद रखनी है, क्योंकि एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं ये चीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं करवा रहा हूं यहां पर
अब मैं सेवंथ सम करवा रहा हूँ, सिक्स हमने किया ना, तो अब मैं करवा रहा हूँ सेवंथ सम। सेवंथ सम हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू 3, 1, 5 और यहाँ पर 2। तो मैं कैसा लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू आई ए, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। अब मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए इनवर्स। तो सब में एक ही चीज फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड को ए की जगह मैट्रिक्स लिखूंगा, 3, 1, 5, 2 इज इक्वल्स टू आई की जगह पर मैं लिखूंगा 1, 0, 0, 1 और यहाँ पर ए एज इट इज। अब मैं क्या, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कैसे करूंगा, आर टू पर आर टू माइनस आर वन, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं ये करने वाला। तो चलिए मैट्रिक्स पहले बना लेंगे, आर वन एज इट इज रख देना है पहले, तो 1 और 0 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 3 तो हो जाएगा 2 और 2 माइनस 1 तो 1। अब मैं क्या करूंगा, आर टू माइनस आर वन यहाँ पर राइट साइड पर भी करना होगा ना, तो -1 और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं करूंगा आर वन पर आर वन माइनस आर टू तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। दिख रहा है फ्रेंड्स आपको? हाँ दिख रहा होगा। तो चलिए मैं कर रहा हूं यहाँ पर इज इक्वल्स टू, पहले जहां पर ऑपरेशन नहीं हो रहा हो ना वहां पर एज इट इज लिख देना है, तो क्या आपको कंफ्यूजन कम होगा। तो चलिए आर वन माइनस आर टू तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 0 और अब यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर -1। अब मैं चलिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से आगे कर रहा हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये अब मैं करूंगा आर टू पर आर टू माइनस टू आर वन तो यहाँ पर क्या होगा, मैट्रिक्स पहले बना देना है, आर वन एज इट इज रख देना है 1, 0, 2, -1 आर टू माइनस टू आर वन तो मतलब 2 माइनस 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर 1 माइनस 0 तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 एज इट इज और यहाँ पर हो जाएगा आर टू माइनस टू आर वन तो -1 -2 -1 और माइनस, एक मिनट फ्रेंड, हाँ -1 -4 तो हो जाएगा -5 और यहाँ पर हो जाएगा आर टू माइनस टू आर वन है तो 1 माइनस इंटू -2 -2 इंटू -1 तो हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। बस फ्रेंड यही तो हमारा आंसर है, तो चलिए इसको लिख देते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 2 -1 -5 और 3। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए फ्रेंड्स आप लिख लीजिए, मैं रब कर रहा हूं इसको, 3, 2, 1। चलिए हमने 2 बाय 2 मैट्रिक्स के बहुत सारे सम्स देख लिए हैं और एक तो देखने वाले हैं। चलिए मैं दिखा रहा हूं अब आपको 14 नंबर सम, एक मिनट फ्रेंड्स, 12 नंबर पहले दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद की सीरीज में होगा ना तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। 12 नंबर सम में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर सम हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू 6 -3 -2 और 1 -2 और 1। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ए इज इक्वल्स टू आई ए लिखने वाला हूँ और यहाँ पर लिखूंगा 6 -3 -2 और 1 और यहाँ पर हो जाएगा आई की वैल्यू 1, 0, 0, 1 यहाँ पर ए एज इट इज। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, सबसे पहले मैं करने वाला हूँ आर वन पर आर वन प्लस 3 आर वन, सॉरी फ्रेंड्स मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ,
यहाँ पर करने वाला हूँ आर टू पर थ्री आर टू प्लस आर वन, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आर वन है, इट इज सिक्स माइनस थ्री वन और जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री आर थ्री मतलब माइनस सिक्स प्लस सिक्स, और यहाँ पर है थ्री आर टू मतलब थ्री प्लस इंटू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री माइनस थ्री। तो यहाँ पर मैट्रिक्स देखिए फ्रेंड, सिक्स माइनस थ्री यहाँ पर जीरो जीरो इज इक्वल्स टू वन जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा वन, यहाँ पर हो जाएगा वन वन और वन। आप देखिए फ्रेंड एल एच एस साइड पर, यहाँ पर दोनों बाजू एक पूरी रो जीरो आ रही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बस इतना ही लिखना है, क्योंकि तो आप देखिए यहाँ पर एक पूरी रो जीरो आ रही है, ये वाली रो जीरो आ रही है, पूरी रो जीरो आ रही है, पूरी पूरी की पूरी एक रो जीरो आ जाए ना फ्रेंड, कोई एक ऑपरेशन करो उसमें एक पूरी रो जीरो आ जाए तो बस वो जीरो हो जाएगा। तो चलिए अब मैं करवा रहा हूं आपको फोर्थ सम, ट्वेल्थ सम में हो रहा है जीरो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, फोर्टीन सम एक एक्सेप्शन है वो भी देख लेते हैं। चलिए आप लिख लीजिए इतना थ्री टू वन, चलिए यहाँ बाजू में ही 14 सम करवा रहा हूं क्योंकि वो भी ऐसा ही है 14 सम। 14 सम हमारा क्या है फ्रेंड, ए इज इक्वल्स टू टू वन फोर टू, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू आई ए, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पर ए की वैल्यू प्लेस करेंगे टू वन फोर टू इज इक्वल्स टू वन जीरो जीरो वन, और यहाँ पर ए एज इट इज। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर करने वाला हूं आर टू पर आर टू पर आर टू पर आर टू माइनस टू आर वन, एक ही ऑपरेशन करने वाला हूं मैं, टू वन इज इक्वल्स टू वन जीरो ए, ठीक है फ्रेंड, आर टू पर आर टू माइनस टू आर वन तो फोर माइनस फोर तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर टू माइनस टू तो हो जाएगा जीरो, देखिए फ्रेंड यहाँ पर वापस जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो और वन। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर एक पूरी रो जीरो आ रही है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हियर आर टू इज जीरो तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, बस आपको इतना ही लिखना है, आपका आंसर हो जाएगा। आप लिख लीजिए थ्री टू वन, चलिए अब मैं करवा रहा हूँ थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स, ये तो टू बाय टू के लिए था सब, अब मैं करवा रहा हूँ थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स, आप लिख लीजिए थ्री टू वन, चलिए मैंने 14 सम्स थे टू बाय टू मैट्रिक्स, उसमें से ऑलमोस्ट सात नहीं, हमने 10 जैसे सम्स किए हैं, अब बाकी बाकी दो चार सम आप खुद से ट्राई करना, आपको मुझे मालूम है आपका आ जाएगा। तो चलिए अब मैं करवा रहा हूँ थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स, इनवर्स फॉर थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, इसमें ना फ्रेंड्स एक रूल फॉलो करना पड़ता है, थ्री बाय थ्री है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये एक थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स है, इसमें मैं रोज भरूंगा वन जीरो 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 वन जीरो, ये तो पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थ्री बाय थ्री। हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है होगा, हमें ऐसे जाना है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हमारा होगा ये वाला नीचे, सेकंड स्टेप
यहां से फ्रेंड्स, यहां से सेकंड स्टेप, यहां से फर्स्ट स्टेप और यहां से थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है फ्रेंड्स। और ये बाकी जो बचा ना इतना सा, ये गन जैसा कुछ, तो हो जाएगा फोर्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप फ्रेंड्स हमें, मैं देख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आप देखिए ये वाला रेड पेन से मैं लिख रहा हूं, ये वाला फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, ये हमें बनाना है फ्रेंड्स, ये हमें बनाना है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में। देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये यहां पर हो जाएगा फोर्थ स्टेप, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, क्योंकि है ना इसमें आप भूल जाओगे कि आप कहाँ कहाँ कौन से स्टेप पे हो, बस आपको इतना याद रखना है कि आप कौन से स्टेप में हो, तो आपका इन्वर्स बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि 3x3 थोड़े टफ होते हैं पर मैं कराऊंगा तो बहुत इजी लगने वाला है आपको। तो चलिए अब मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, सबसे पहला 15th सम, मैं दो सम आपको करवाने वाला हूँ 3x3 और एक सम आप खुद से कर लेना, ठीक है। चलिए आप लिख लीजिए 3, 2, 1। चलिए फिफ्टीन नंबर का सम है हमारे पास। फिफ्टीन सम में क्या होगा फ्रेंड, ए हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है 2 माइनस 3, 3, 2, 2, 3 और 3 माइनस 2, 2। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वही मेथड तो वही है, ए इज इक्वल्स टू आई ए और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ए की वैल्यू प्लेस करेंगे मैट्रिक्स 2 माइनस 3, 3, 2, 2, 3, 3 माइनस 2, 2 इज इक्वल्स टू 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1। 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस सबसे पहले हमें ये वाला जीरो करना है, ये वाला 1, 0, 0 बनाना है इसको। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, R3 पर R3 माइनस R1 करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 हो जाएगा, R3 पर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 की जगह पर 1 आ जाएगा। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ वो वाला स्टेप, R1 पर ऑपरेशन नहीं हो रहा तो मैं उसको एज इट इज लिख देता हूँ। उससे पहले R3 पर 3 माइनस 2 तो हो जाएगा 1, -2 + 3 तो हो जाएगा 1 और 2 - 3 तो हो जाएगा -1। यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और स्टेप मैं इसमें लिख रहा हूँ, R2 पर R2 - R1, बहुत इजी होने वाला है ये सब। 2 - 2 तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 - -3 तो हो जाएगा 5 और 3 - 3 तो हो जाएगा 0। अब मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड, आपको अब तक समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ, 1, 1 और 0। अब मैं क्या करूंगा, आप भी बोल सकते हैं मेरे साथ, जैसे मैं यहाँ पर, हमें हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप में हमें ना, हमें यहाँ पर ये 2 है ना उसको 1 करना है, सॉरी फ्रेंड 0 भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हम फिर R1 और R3 को उल्टा देंगे। तो मैं क्या करूंगा, R1 पर R1 - 2R3 तो यहाँ पर ऊपर 0 आ जाएगा, ऊपर 0 और यहाँ पर नीचे 1 है तो हम उसको उल्टा देंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इज इक्वल्स टू इंटू ए एज इट इज, ये 1, 1 - 1 एज इट इज, यहाँ पर 0, 5, 0 एज इट इज, -1, 1, 0 एज इट इज, -1, 0 और 1 एज इट इज। अब मैं क्या करने वाला हूँ, R1 पर R1 - 2R3 तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, यहाँ पर -5, यहाँ पर 5, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हो जाएगा 3, 0 और -2,
अब मैं क्या करूंगा, आर वन और आर थ्री को उल्टा दूंगा, आर वन और आर थ्री को उल्टा दिया मैंने, तो हो जाएगा वन वन माइनस वन, 0 5 0, यहाँ पर 0 माइनस 5 और 5, सिर्फ इसको इसमें डाल दिया और इसको इसमें डाल दिया, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी वैसा करना होगा फ्रेंड्स, राइट साइड भी हमें ऐसा करना पड़ता है, तो चलिए -1 0 1 -1 1 0, और यहाँ पर हो जाएगा 3 0 और -2। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा सम है तो आप साथ साथ में लिखते रहना, कि मैं थोड़ी देर में अब रब करने वाला हूँ क्योंकि एक ही स्टेप बचा है हमारे पास। अब मैं करूंगा R3 पर R3 प्लस R2, R3 क्योंकि देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये जो +5 -5 है ना, तो 0 हो जाएगा R3 में, इक्वल्स टू, यहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो रहे ना, वहां पर पहले लिख देना है क्या बाकी रह रहा है, तो 1 1 -1 0 5 0 -1 0 और 1, यहाँ पर 0 1 और -1। अब हम करेंगे R3 की वैल्यू, यहाँ पर यह 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5 एज इट इज, और यहाँ पर है 2 1 और -2। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको एक साथ में सब मिल जाए तो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सॉरी फ्रेंड्स मैं नहीं लिख सकता यहाँ पर, आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं इस सम को यार लेफ्ट साइड 15 नंबर यहाँ पर नोट लिखा हुआ है ना, वहां से कंटिन्यू करूंगा, आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ वापस ब्लू पेन से। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, R2 पर R2 by 5 और R3 पर R3 by 5, बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा इसका, तो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ नहीं है ना, वो तो एज इट इज पहले लिख ही देना है, यहाँ पर 0, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं लिखना था, यहाँ पर है 1 1 -1 -1 0 1। अब यहाँ पर 1 by 5 से डिवाइड करना है R2 और R3 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 1 0, यहाँ पर है 0 0 और 1। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होने वाला है, -1 by 5 फिर 1 by 5 और यहाँ पर 0, यहाँ पर -2 by 5, यहाँ पर 1 by 5 और यहाँ पर है 2 by 5। ठीक है फ्रेंड, अब मैं करने वाला हूँ, अब मुझे इसको 0 बनाना है, बीच वाले 1 को, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, R1 पर R1 माइनस R2 करूंगा ना, तो ऐसे ही हमारा 0 हो जाएगा वो एलिमेंट, तो यहाँ पर लिखूंगा 1 0 -1, यहाँ पर 0 1 0, यहाँ पर 0 0 1, इज इक्वल्स टू ए -1 by 5, ये 1 by 5, ये 0, ये 2 by 5, ये 1 by 5 और ये -2 by 5, यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा फ्रेंड्स, -4 by 5, यहाँ पर -1 by 5, यहाँ पर 0, सॉरी फ्रेंड 0 नहीं है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 ही है ऐसे तो, क्योंकि तो यहाँ पर नीचे 0 था, माइनस किया तो कुछ नहीं होगा। अब मैं करने वाला हूँ, मैं वो मेथड यहाँ पर लिख रहा हूँ, R1 पर R1 माइनस, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास देखिए 1 1 1 0 0 0, यहाँ पर 0 0, अब सिर्फ इसको -1 को सिर्फ 0 बनाना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
आर वन पर आर वन प्लस आर थ्री, तो हमारा सम सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100001 और 00, सॉरी फ्रेंड, 010 और 001 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है आर वन प्लस आर थ्री किया है हमें, तो -4/5 +2/5, तो हमारा हो जाएगा -2/5, -1/5 +1/5, तो यहाँ पर 0 और 1 माइन प्लस -2/5, तो हो जाएगा हमारा 3/5। यहाँ पर बाकी सब सम, बाकी सब एलिमेंट्स एज इट इज, 1/5, 0, ये 2/5, ये 1 है हमारा, यहाँ पर 1/5 और -2/5, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं इसका फाइनल आंसर लिखने वाला हूँ, आप इतना तो लिख लीजिए, 3, 2, 1। चलिए ये लास्ट स्टेप रब कर रहा हूँ, लास्ट स्टेप में रब करने वाला हूँ, अब लिख लीजिए 3, 2, 1। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2/5, 0, 3/5, -1/5, ये 1/5 और ये 0, यहाँ पर है 2/5, यहाँ पर 1/5 और -2/5, बस आपका यही आंसर है फ्रेंड, यही हमारा आंसर है, आप लिख लीजिए 3, 2, 1, ये हमारा आंसर है, आप लिख लीजिए अच्छी तरीके से, बहुत बड़ा सम था। चलिए नेक्स्ट सम करने वाले हैं, आप लिख लीजिए 3, 2, 1। चलिए चलिए अब मैं कौन सा सम करवा रहा हूँ, अब मैं करवा रहा हूँ 17th सम। 17th सम भी इतना ही लंबा है फ्रेंड, तो आप एंड तक वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा कैसा सम है। ए इज इक्वल्स टू 2, 0, -1, 5, 1, 0, 0, 1 और 3। मैं क्या करने वाला हूँ इसको, ए इज इक्वल्स टू आई ए, और लेफ्ट वाले ए की जगह पर 2, 0, -1, 5, 1, 0, 0, 1, 3 इज इक्वल्स टू 100, 010, यहाँ पर 001 और यहाँ पर ए। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में क्या करने वाला हूँ फ्रेंड, आर टू पर आर टू माइनस टू आर वन, आर टू पर आर टू माइनस टू आर वन, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा 1 बन जाएगा, 2, 0, -1, यहाँ पर 0, 1, 3 हो जाएगा, यहाँ पर बाकी सब एलिमेंट्स में पहले लिख रहा हूँ फिर मैं उसका करता हूँ ना, तो मुझे अच्छी तरीके से ग्रीप हो जाती है उस पर। तो चलिए आर टू माइनस टू आर वन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, आर टू माइनस टू आर वन, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। चलिए अब मैं आगे सम कर रहा हूँ, लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, अब मैं करूंगा आर वन को आर टू से उलट पुलट, आर वन आर टू, यहाँ पर तो ए आने वाला है, यहाँ पे लिखूंगा 1, 1, 2, 2, 0, -1, 0, 1 और 3, यहाँ पर -2, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
आगे सम देख, आगे सम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर टू माइनस टू आर वन, तो हमारा हो जाएगा वन वन टू जीरो वन थ्री, यहाँ पर माइनस टू वन जीरो 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 वन, यहाँ पर मैं वापस लिखने वाला हूँ, यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड यहाँ पर जीरो नहीं होगा क्योंकि माइनस किया है हमने, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस फाइव। और अब आर टू पे मतलब राइट साइड पे भी हमें करना पड़ेगा, तो आ जाएगा फाइव माइनस टू और जीरो। चलिए आगे हम एक और एक इक्वेशन लगाते हैं, आर वन पर आर वन माइनस आर थ्री, आर वन पर आर वन माइनस आर थ्री मैंने यूज किया है, तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, इज इक्वल्स टू ए एज इट इज होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जीरो माइनस टू माइनस फाइव एज इट इज, जो एज इट इज है ना वो मैं पहले लिख देता हूँ पहले, ताकि उसके बाद सॉल्व कर लेता हूँ। तो जीरो वन थ्री फाइव माइनस टू जीरो 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 वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर वन माइनस आर थ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा वन, आर वन माइनस आर थ्री तो हो जाएगा यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर है आर थ्री, आर वन माइनस आर थ्री तो हो जाएगा माइनस वन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू वन और माइनस टू, क्योंकि आर वन माइनस आर थ्री किया है हमने। तो चलिए इसको आगे सम करते हैं सॉल्व। अब मैं इसको यहाँ पर करने वाला हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, पर आप देखिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आर टू को आर थ्री से रिप्लेस कर दूंगा, आर टू को आर थ्री से रिप्लेस करने वाला हूं मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर है ए और यहाँ पर हो जाएगा वन जीरो माइनस वन, यहाँ पर माइनस टू वन और माइनस वन। ठीक है, आर टू को आर थ्री से हम रिप्लेस करने वाले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो वन थ्री, यहाँ पर है, और अब यहाँ पर है जीरो जीरो वन, और यहाँ पर हो जाएगा जीरो जीरो वन, यहाँ पर फाइव माइनस टू जीरो। अब मैं क्या करने वाला हूँ पता है आपको, अब मैं करूंगा आर वन पर आर वन पर आर वन प्लस आर थ्री, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आर वन पर ऑपरेशन हो रहा है तो बाकी सब मैं एज इट इज लिख देता हूँ, जीरो जीरो वन फाइव माइनस टू जीरो, यहाँ पर है जीरो जीरो वन, तो हमारा फर्स्ट आर वन बन जाएगा वन जीरो जीरो, यहां पर बनेगा थ्री माइनस वन और वन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं करने वाला हूं आर टू पर आर टू माइनस थ्री आर थ्री, तो हमारा सम सॉल्व हो जाएगा फाइनली, और हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर है ए, तो चलिए आर टू पर आर टू माइनस थ्री आर थ्री करते हैं, तो हमारा हो जाएगा वन जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो जीरो वन, पहले मैं एज इट इज लिख देता हूँ, जो है हमारा थ्री माइनस वन वन, फाइव माइनस टू जीरो। अब क्या होगा फ्रेंड्स, आर टू पर आर टू माइनस आर थ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो वन जीरो, यहाँ पर है माइनस फिफ्टीन सिक्स और माइनस फाइव, बस यही हमारा आंसर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बड़े अक्षरों में, ए इज इक्वल्स टू
ए इज इक्वल्स टू रेड अक्षर में लिख रहा हूँ, 3 माइनस 1, 1 माइनस 15, 6, 6 नहीं लग रहा है, 6 माइनस 5, 5 माइनस 2, और यहाँ पर सॉरी फ्रेंड यहाँ पर 2 माइनस 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। चलिए यही आपका आंसर है और आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah.